सिनेमा एक ऐसी दुनिया है जहां एक ही शख्स एक ही जीवन में कई किरदार जी लेता है। ऐसा मौका कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं देता। अभिनय करते करते ये कलाकार एक दूसरे के साथ पर्दे पर दिलचस्प रिश्ते भी निभाते हैं। हिंदी सिनेमा में कई एक्ट्रेसेज ऐसी हैं जिन्होंने अपने सह कलाकारों के साथ ऐसे ही चौंकाने वाले रिश्ते पर्दे पर निभाए हैं। गुजरे जमाने की शानदार अदाकारा वहीदा रहमान ने पर्दे पर तमाम किरदार अदा किए हैं, मगर अमिताभ बच्चन के साथ उनका ऑन स्क्रीन रिश्ता सबसे अनोखा रहा। वहीदा बिग बी की माँ और बीवी के किरदार में पर्दे पर आई हैं। 1976 में आई अदालत में वहीदा अमिताभ का लव इंटरेस्ट बनी थी, तो 1978 में आई त्रिशूल और 1983 में आई कुली में उन्होंने बिग बी की माँ का किरदार प्ले किया। शर्मिला टैगोर के साथ भी अमिताभ बच्चन ने ऐसा ही रिश्ता निभाया है। 1982 की फिल्म देशप्रेमी में शर्मिला अमिताभ की मां के रोल में नजर आई, जबकि 1975 में आई फरार में वो उनकी प्रेमिका का रोल निभा चुकी थीं। राखी ने अमिताभ के साथ कई फिल्मों में अमिताभ के साथ स्क्रीन साझा की है। 1976 की फिल्म कभी कभी और 1978 की फिल्म कस्मे वादे में राखी अमिताभ की प्रेमिका के रोल में थी, तो 1982 की फिल्म शक्ति में उन्होंने बीबी की मां किरदार प्ले किया था। महान अभिनेत्री नरगिस ने रियल लाइफ में सुनील दत्त से शादी की थी, मगर पर्दे पर वो दत्त साहब के साथ माँ और प्रेमिका का रिश्ता निभा चुकी हैं। 1957 में आई हिंदी सिनेमिक की कल्ट क्लासिक मदर इंडिया में नरगिस सुनील दत्त की माँ के रोल में थीं, जबकि इसके 7 साल बाद 1964 में आई यादें में नरगिस ने सुनील दत्त की प्रेमिका का किरदार प्ले किया। श्रीदेवी और रजनीकांत के बीच भी ऐसा ही दिलचस्प रिश्ता रहा है। श्रीदेवी उस वक्त 13 साल की थीं जब उन्होंने एक तमिल फिल्म में रजनीकांत की सौतेली माँ का रोल निभाया था। 1976 में आई फिल्म का नाम मुंदरुमुदिचु था। 1989 में आई हिंदी फिल्म चालबाज में रजनी और श्रीदेवी की रोमांटिक जोड़ी बनी।